भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने गुरुवार को बताया कि तीसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत को भी नहीं पता था कि स्टीव स्मिथ ने उनका बैटिंग गार्ड मिटा दिया है। राठौर ने कहा कि टीम को इस मामले में तब जानकारी मिली जब मीडिया में इसे उठाया गया। सिडनी टेस्ट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर दरअसल वायरल हुआ था, जिसमें स्मिथ जूते से बैटिंग गार्ड मिटाते नजर आ रहे हैं। तब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे। राठौर ने कहा कि हमें इस मामले के बारे में पता भी नहीं था। मैच के बाद हमें मीडिया में जब खबरें आई तब पता चला। एक बल्लेबाज के तौर पर पंत को इसका पता नहीं चला। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राठौर ने साथ ही कहा कि पेसर बुमराह की पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पर नजर रखी जा रही है, लेकिन दौरा करने वाली टीम में चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट के लिए उन्होंने बड़ा बदलाव का संकेत दिया। भारतीय टीम मैनेजमेंट आधे फिट बुमराह को भी खिलाकर जोखिम नहीं लेगा क्योंकि वो इस तेज गेंदबाज को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की निर्णायक 5 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू सीरीज में खिलाना चाहती है। राठौर ने सीरीज के अंतिम मैच से पहले कहा, चोट की अब भी निगरानी की जा रही है, हमारा मेडिकल स्टाफ खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा है। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि इस समय टिप्पणी कर सकूं। हमें उतना समय देना होगा जितना दे सकते हैं और कल सुबह ही आपको पता चल पाएगा कि अंतिम 11 में कौन कौन खेलेगा। राठौर ने संकेत दिया कि वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर दोनों खेलने की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हम फिर से अपनी प्रक्रिया और अपने खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। ये पूछने पर कि क्या पंत और शाह दोनों को खेलने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी खिलाड़ियों की चोट की काफी चिंताएं हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं और रिहैब प्रक्रिया में वो कैसा करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब कल सुबह ही मिल सकता है जब हमें पता चलेगा कि मैच में फाइनल 11 कौन खेलने जा रहा है। 51 साल के भारत के इस पूर्व ओपनर ने कहा कि स्मिथ की फॉर्म से भारतीय टीम परेशान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे गेंदबाज उनके खिलाफ और बाकी बल्लेबाजों के खिलाफ प्लान पर काम कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने शतक जमाया था, लेकिन हम अपनी रणनीति पर टिके रहेंगे। यानी कि साफ तौर पर स्मिथ और पंत का विवाद अब कोई बड़ा तूल देने वाला नहीं रहा, ये खुद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कह दिया है। ANP न्यूज रूम से नीरज सहाय की रिपोर्ट।